हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, हमारे एक व्यूअर हैं और उन्हीं के नाम से मैंने कंपनी बना रखी है और उन्हीं को समझाने के लिए ये वीडियो बना रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि अन्य भी लोगों को इससे काफ़ी मदद मिलेगी। और ये वीडियो टैली को लेकर के है, तो टैली ERP 9 को मैं यहां से ओपन कर रहा हूं। टैली का लेटेस्ट वर्जन आपके पास होना चाहिए। इनकी क्वेरी GST को लेकर के है, तो GST भी हम देखेंगे। ये जो कंपनी हमने बनाई है ये हमारी कंपनी नहीं है, तो अल्ट के साथ आपको F3 प्रेस करना है। तो यहाँ पर कंपनी इन्फो के विंडो पे आ जाएंगे हम, ठीक है। यहाँ से सेलेक्ट कंपनी S प्रेस कीजिएगा तो सेलेक्ट कंपनी वाली विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें बहुत सारी कंपनीज की लिस्ट आपको मिल जाएगी। अविनाश राय इनका नाम है, तो अविनाश राय वाली कंपनी हम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और वेट ऑप्शन ये कंपनी हम बंद कर देते हैं, तो इसको यहाँ से क्लोज करने के लिए यहाँ से एच प्रेस करना है आपको और ये कंपनी हो जाएगी क्लोज। तो अब आपके पास सिर्फ अविनाश राय नाम की कंपनी है। चलिए यहां से बाहर आ जाते हैं, चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। पहले चलना है हमें परचेज वाउचर में, ठीक है। दोनों के पूरे पूरे जो हिसाब किताब है वो मैं सिखाऊंगा, परचेज कैसे करना है, परचेज करने के बाद उसका पेमेंट कैसे करना है, फिर सेल कैसे करना है, उसका पेमेंट कैसे करना है, इन दोनों की बात करेंगे एक ही वीडियो में। और दोनों ही कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर, कोई भी कंफ्यूजन यहां पर नहीं रहेगी आपको। इस वीडियो में ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। कंपनी बनाना पहले से बता चुका हूं, इसीलिए यहां पर हमें चलना है परचेज वाउचर में। परचेज वाउचर में जाने के लिए आपको F9 प्रेस करना है या यहां से माउस से क्लिक भी कर सकते हैं। चलिए अब यहां पर 800 नंबर का सप्लायर इनवॉइस नंबर है, यानी बिल नंबर है। 1 अप्रैल को ये खरीदारी हो रही है, ठीक है। परचेज माने होता है खरीदना। यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, ठीक है। क्रेडिटर पार्टी का लेजर लगा दिया, क्रेडिटर पार्टी लोकल की ही है। एंटर प्रेस किया, अब यहां पर परचेज अकाउंट का लेजर आ जाएगा। यहां तक तो लगभग आप हर वीडियो में सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहां पे स्टॉक आइटम बनाना है, तो स्टॉक आइटम हमने पहले से बना रखा है। जैसे मान लीजिए कीबोर्ड बनाया है, लेकिन कीबोर्ड का कोई भी आइटम हमारे पास मौजूद नहीं है, उल्टा हमने एक आइटम एक्स्ट्रा बेच दिया जो हमारे पास था ही नहीं, ठीक है। तो यहां पर हमें कीबोर्ड के आइटम्स की एंट्री और भी करनी होगी, तो यहां पे परचेज करेंगे हम कीबोर्ड। तो चलते हैं कीबोर्ड पे यहां पे, और यहाँ पे कीबोर्ड की क्वांटिटी हम 600 कीबोर्ड परचेज कर रहे हैं, ठीक है। और 120 रुपए के हिसाब से हमने परचेज कर लिया कीबोर्ड LCD, ठीक है। तो LCD का एक स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं। यहाँ से फुल के साथ अल्ट के साथ C प्रेस कीजिए और यहाँ पे लिखता हूँ LCD। तो LCD हम खरीद रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर आइटम कर देता हूँ, यहाँ पर GST एप्लीकेबल रहेगा, गुड्स रहेगा। एंटर प्रेस करते हुए एक्सेप्ट कराइए, आ गया ये यहां पर आ गया। अब यहां पर LCD के 12 आइटम हम परचेस कर रहे हैं और एक की कीमत पड़ रही है 6000 रुपए। एंटर प्रेस किया, यानी कुल मिलाकर 72000 रुपए। चलिए यहां पर हमें CGST SGST इसलिए अप्लाई करना है क्योंकि ये लोकल स्टेट का मामला है, यानी स्टेट सेम है। यहां पर बाय डिफॉल्ट CGST और SGST आ रहा है। अगर हम चाहें तो स्टॉक आइटम बनाते समय ही अलग अलग आइटम पर अलग अलग GST रेट भी सेट कर सकते हैं। कैसे ये पॉसिबल होगा, आइए वो भी दिखा देता हूं। बाहर आ जाते हैं यहां से, और हमें अभी कहां चलना है, इन्वेंटरी इन्फो पे चलना है स्टॉक आइटम देखने के लिए। तो स्टॉक आइटम पर आ जाइए और यहां से आ जाइए अल्टर पर, आ गए। अभी हमें चलना है कहां, LCD पर। LCD पर हम अलग से टैक्स रेट देना चाहते हैं, तो जब भी अलग से टैक्स रेट देना हो GST यहां एप्लीकेबल रहेगा। और यहां पर Y प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करिए, तो यहां पर आ गया। अब ये है LCD, तो यहां लिख देता हूं LCD, ठीक है। और इसका जो HSN कोड या SSC कोड है वो यहां पर आप डाल सकते हैं। मैं फिलहाल डमी कोड डाल रहा हूं, ये रियल कोड नहीं है। ये पूछ रहा है इज नॉन GST गुड्स, तो ये नॉन GST तो है नहीं, इस पर GST एप्लीकेबल होगा। यहां पे ऑन वैल्यू ही रखेंगे, टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है, रख दिया। एंटर प्रेस करके नीचे आए, इंटीग्रेटेड टैक्स लगा देते हैं 17%। अब ये आधा आधा सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स में डिवाइड हो जाएगा। IGST तब लगता है जब अदर स्टेट का मामला होता है, हम तो लोकल स्टेट की बात कर रहे हैं। एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, ये हमारा हो गया क्लियर। अब जबकि हम यहां पर अकाउंटिंग वाउचर में आकर के परचेज वाउचर में आएंगे, यहां से अकाउंटिंग वाउचर में आए और यहां से परचेज वाउचर में जैसे ही हम आएंगे, तो यहां पर 800 नंबर का बिल हमने ले लिया है और यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, आ गया। लोकल स्टेट का मामला है, परचेज का लेजर यहां आ जाएगा। अब यहां पर कीबोर्ड की बात करेंगे, ठीक है। तो कीबोर्ड हम परचेज करेंगे, ठीक है। कितना कीबोर्ड परचेज करेंगे, 100 कीबोर्ड हम मान लीजिए परचेज कर रहे हैं 120 रुपए के हिसाब से। ये आ गया,
इसके बाद एलसीडी हम परचेज कर रहे हैं, तो एलसीडी पर हमने अलग से टैक्स रेट लगाया है। अब टैक्स रेट में आपको ध्यान देना है कि टैक्स रेट कितना कितना लग रहा है, सारी बातें एक ही वीडियो में हो जाएंगी, थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन पेशेंस रखिएगा। एंटरप्रेस किया और यहां पर मान लीजिए 12 एलसीडी हम परचेस कर रहे हैं और एक एलसीडी कीमत हमें 6000 रुपए पड़ रही है। एंटरप्रेस किया, यहां पर 72000 की एलसीडी हमने परचेस कर ली, ठीक है। अब यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी का लेजर मैंने पहले से बना रखा है, तो अगर हम सीजीएसटी लगाते हैं इस पे 72 और एसजीएसटी लगाते हैं तो यहां पे एसजीएसटी भी कैलकुलेट होकर आ गया। सीजीएसटी एसजीएसटी बराबर बराबर अमाउंट में 7200 कैलकुलेट होकर आ चुका है, ठीक है। अब अगर आप टैक्स एनालिसिस देखना चाहते हैं तो अल्ट के साथ ए प्रेस कर दीजिए और आपको समझ में आएगा कि किस पे कितना टैक्स लगा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हैं कीबोर्ड पर टैक्स रेट जो है कुछ और लगा हुआ है, ये देख लीजिए आप कीबोर्ड पर जो टैक्स रेट है 12000 के हिसाब से वो कितना लगा हुआ है, 2160 रुपए कीबोर्ड पर लगा हुआ है। और अगर हम बात करें एलसीडी की तो एलसीडी पर जो टैक्स रेट लगा हुआ है वो अलग लगा हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको एलसीडी पर 12240 रुपए टैक्स रेट लगा हुआ है 72000 के हिसाब से, ठीक है। तो दोनों पे ही अलग अलग टैक्स रेट लगा हुआ, कुल मिलाकर 14400 रुपए हमने टैक्स पे किया है, ठीक है। तो यहां पर अलग अलग टैक्स रेट हमने लगाया है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो टैक्स रेट हमने एलसीडी पे सेट किया है वही टैक्स रेट किसी और जगह भी कोई और भी स्टॉक आइटम बनाते वक्त हम सेट कर दें? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। यहां पर आते हैं, इंटरफेस करते हैं। अब एलईडी लेते हैं, यहां पे एलईडी एक और स्टॉक आइटम परचेस कर रहे हैं एलईडी, यहां पे और यहां पर यस कर देंगे, यहां पर रख देते हैं एलईडी और यहां पे एचएसएन कोड डाल देते हैं जो भी हो। इंटरफेस करेंगे, ऑन वैल्यू रखेंगे और यहां पर टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है। यहां पर जितना, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर आप 18% रखते हैं या 17%, तो यहां पे आधे आधे के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा 8.5-8.5 के रेशियो में। एंटरप्रेस किया, अब यहां पर इसके भी 12 ही आइटम ले रहे हैं और इसका भी प्राइस मान लीजिए 6000 रुपए ही हो तो क्या होगा, तो यहां पर भी ये 72000 हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसका टैक्स रेट हमें देखना हो तो अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए। अब देखिए तीनों का टैक्स रेट अलग अलग शो हो रहा है, अदर टैक्स रेट लगाएं तो क्या होगा। जैसे एलईडी पर जबकि हम एलईडी नाम का स्टॉक आइटम बना रहे थे तब हम अलग टैक्स रेट लगाते तो क्या होता। चलिए चलते हैं स्टॉक आइटम पर और यहां पर आपको दिखा देता हूं थोड़ा अलग टैक्स रेट इस पे लगा करके, तो बहुत ही आसान है। यहां से अल्टर पे चलते हैं और यहां पर अलग से टैक्स रेट हम लगाने वाले हैं, तो एलईडी पे गए और एंटरप्रेस किया, एंटरप्रेस किया और यहां से वाई प्रेस कर देता हूं, एंटरप्रेस करता हूं, यहां पर आ गए, ये टैक्सेबल ही रहेगा। और यहां पर देखिए 17% का टैक्स रेट लगाया हुआ है, अगर हम यहां पर 28% का टैक्स रेट लगा देते हैं तो क्या होगा, 14-14 के हिसाब से डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर देखिए एलईडी में डिफरेंस आ जाएगा, एलईडी का टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा, कैसे ज्यादा होगा आइए देखते हैं। चलते हैं वापस कहां, अकाउंटिंग वाउचर में वी प्रेस करते हैं और परचेज में आ गए, 800 नंबर का बिल ही हम रखेंगे। एंटर प्रेस करेंगे, यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर आएगा क्रेडिटर पार्टी का लेजर, आ गया। एंटर प्रेस किया और यहां पर परचेज अकाउंट आ गया। अब यहां पर क्या करना है, एल सी डी ले सकते हैं आप, लेकिन पहले कीबोर्ड ले लेते हैं, कीबोर्ड हमने रखा था तो कीबोर्ड ले लेते हैं, तो कीबोर्ड ले लिया हमने, कीबोर्ड परचेज करते हैं, 100 कीबोर्ड हम परचेज कर रहे हैं, ठीक है, इसका आ गया यहां पर। अब कीबोर्ड के बाद, अच्छा कीबोर्ड पर कितना टैक्स रेट लग रहा है वो भी दिखा देता हूं आपको। आपको सिर्फ क्या करना है, अल्ट के साथ ए प्रेस करना है, तो प्रेस कीजिए अल्ट के साथ ए और यहां पर देख सकते हैं 2160 रुपए टैक्स रेट लग रहा है कीबोर्ड पर, ठीक है, आ गया यहां पे, यानी अमाउंट हमें पता चल गया। अब एलसीडी, तो एलसीडी जो है ये है, ठीक है, इस बार हमने टैक्स रेट बढ़ा दिया है, पिछली बार टैक्स रेट दोनों पे सेम था। अब मान लीजिए 12 एलसीडी परचेज कर रहे हैं और एक एलसीडी की कीमत पिछला वाला ही रखते हैं 6000 रुपए है, पहले जो मैं दिखा रहा था वही सेम कीमत रखते हैं, 72000 रुपए इसका टोटल कॉस्ट आ गया। अब यहां पर एलईडी की बात कर लेते हैं, इसकी भी कीमत हम 6000 रखने वाले हैं, तो 12 आइटम ही परचेज करेंगे और कॉस्ट जो है इसकी एक की 6000 पड़ेगी, तो ये भी 72000 हो गया। अब एलसीडी और एलईडी में डिफरेंस देखिए, यहां पर क्लिक किया हमने, ये एलसीडी था, ठीक है, यहां पर टैक्स रेट देखने के लिए अल्ट के साथ ए प्रेस कीजिए। अब हमें किसका टैक्स रेट देखना है,
एलसीडी का देखना है तो यहां पर आप आ जाएं, ये देख सकते हैं 12,240 रुपए इस पर टैक्स रेट लगा हुआ है, यानी टैक्स के लिए कुल कितना पे किया हमने 12,240 रुपए, और यहां कितना पे कर रहे हैं, यहां पर हमने 28% का टैक्स दिया हुआ है, तो कितना पे कर रहे हैं 20,160 रुपए। अमाउंट सेम है लेकिन टैक्स रेट डिफरेंट है, तो ये डिफरेंस होता है। अलग अलग टैक्स रेट आप ऐसे सेट कर सकते हो। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, एंटरप्राइज करते हैं, यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी लगा देते हैं, तो ये सीजीएसटी हो गया और ये एसजीएसटी, दोनों बराबर बराबर अमाउंट में यहां पे सेट होके आ गया। ठीक है, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज किया और यहां पे न्यू रेफरेंस रखेंगे हम और एंटरप्राइज करेंगे, एक्सेप्ट करा लेंगे इसको, करा लिया। चलिए अब बाहर आ जाते हैं इससे। अब हमें किस अकाउंटिंग वाउचर में चलना है, पेमेंट में चलना है, क्योंकि इसका पेमेंट हम करना चाहते हैं। तो पेमेंट में जाने के बाद यहां डेबिट किसको करेंगे, यहां पर डेबिट हम करेंगे किसको, ये जो क्रेडिटर पार्टी है हमारी, इसको डेबिट करेंगे। ये क्रेडिटर पार्टी कितना बैलेंस शो कर रहा है, 198,818 रुपए। तो 198,818 रुपए यहां डाल दिया हमने, डाल दिया, एंटरप्राइज किया, अगेंस्ट रेफरेंस आ गया, यहां पर दो बिल शो हो रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं, और ये एंटरप्राइज किया हमने, यहां पर दूसरा बिल, इसको भी हम चुका देते हैं, दोनों बिल हमने पे कर दिया है। ठीक है, हमने कुछ भी बकाया नहीं रखा है, तो कुल मिलाकर एंटरप्राइज किया। ठीक है, एंटरप्राइज किया और अब इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब जबकि हम दोबारा यहां पर इनके खाते में बैलेंस डालने की कोशिश करेंगे, तो यहां पर हमें बैलेंस जीरो दिखा रहा है, ये देख सकते हैं। इसके पहले जो है यहां पर बैलेंस शो हो रहा था, जो भी इनका बैलेंस था बकाया वो शो हो रहा था, ड्यू जो बैलेंस था वो शो हो रहा था, लेकिन अब नहीं शो हो रहा है, इसका मतलब हमने पेमेंट पूरा कर दिया। तो ये एक एंट्री पूरी हो गई परचेज में। चलिए बाहर आते हैं, अब हम क्या करेंगे, सेल्स वाउचर में चलेंगे। तो सेल्स वाउचर में जाने के लिए आपको F8 प्रेस करना है या यहां पे क्लिक भी कर दीजिए। अब मान लीजिए कि 900 नंबर का रेफरेंस नंबर है। ठीक है, यहां पर आएगा डेटर पार्टी का लेजर, ये डेटर पार्टी का लेजर लगा दिया। अब मान लीजिए कि अलग स्टेट की बात हो जाए, जैसे MP भोपाल, पहले सेम स्टेट की बात थी, अब डिफरेंट स्टेट की बात हो रही है, तो ये बात ध्यान रखिएगा। आ गए, यहां पर स्टेट चेंज हो जाएगा, एम प्रेस करेंगे, मध्य प्रदेश आ जाएगा यहां पे, आ गया, एंटर प्रेस किया, यहां पे सेल्स अकाउंट का लेजर आ जाएगा। अब पहला आइटम कीबोर्ड था, जिसके 99 आइटम हमारे पास मौजूद है, एंटर प्रेस किया, 99 में से 75 आइटम हम बेच रहे हैं, इस बार खरीद नहीं रहे, इस बार बेच रहे हैं, और कीमत क्या रखी हमने, 200 रुपए रखी है, 200 रुपए के हिसाब से बेच रहे हैं, अपने हिसाब से बेचेंगे। ठीक है, ताकि हमको प्रॉफिट भी हो सके, तो जो हम अपने हिसाब से जो रेट सेट करना चाहते हैं, जो उचित लगे, वो यहाँ पे रेट हमने सेट कर दिया है, खरीद रेट 120, बेचेंगे 200 में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब यहां पर क्या करना है आपको, एलसीडी की बात करेंगे। ये एलसीडी का 12 आइटम हमारे पास है, कितना बेच रहे हैं, जैसे मान लीजिए 10 आइटम हम सेल कर रहे हैं। ठीक है, और एक हम सेल कर रहे हैं 7,500 में, यानी 1500 रुपए इस पे हमको भी प्रॉफिट होगा, ये कर दिया हमने। अब एलईडी की बात करेंगे, तो यहां पे एलईडी आ गया, एंटरप्राइज किया, एंटरप्राइज किया, और यहां पर एलईडी का 3 आइटम हम सेल कर रहे हैं, तो ये सेल हो गया, और कीमत वही 7,600 रुपए हमने रखी है, एंटरप्राइज किया, ये लगा दिया हमने। अब यहां पर हमको टैक्स रेट देखना है सबका अलग अलग, तो यहां पे देख सकते हैं कि किस पे कितना टैक्स रेट लगा हुआ है। एलईडी पर हमने 28% का टैक्स लगाया था, तो इस पर सबसे ज्यादा टैक्स रेट हमें दिखाई पड़ रहा है, टैक्स की वैल्यू सबसे ज्यादा दिखाई पड़ रही है। ठीक है, इसी तरह से कीबोर्ड पर वही वैल्यू कम है, और एलसीडी पर वो रेट बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, और उससे भी ज्यादा रेट जो है एलईडी पर है, लेकिन एलईडी हमने कम ही मात्रा में सेल किया है, दैट्स वाई यहां पर टैक्स की जो वैल्यू है हमें कमी दिखाई पड़ रही है, लेकिन रेट ज्यादा है। चलिए अब यहां पर सीजीएसटी एसजीएसटी एंटरप्राइज करेंगे, यहां पे सी प्रेस किया हमने, सीजीएसटी आ गया। ठीक है, अच्छा यहां पे सीजीएसटी कैलकुलेट होकर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने क्या किया है, डिफरेंट स्टेट की बात की है, डिफरेंट स्टेट के लिए आईजीएसटी लगता है, ये बात ध्यान रखिएगा, तो ऐसा अगर आप कर देंगे तो टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। तो यहां पर आईजीएसटी लगाइए, और देखिए यहां पर टैक्स कैलकुलेट होकर आ चुका है। ठीक है, अल्ट के साथ ये प्रेस कीजिए, 21,834 रुपए कुल मिलाकर टैक्स लगा हुआ है।
यहाँ पर कितना आ रहा है नीचे, ये पढ़िए 21,834 रुपए कुल टैक्स आया हुआ है। चलिए सब कुछ सही है, अब इसको एक्सेप्ट कराने की बारी। ठीक है, तो ये न्यू रेफरेंस आ रहा है, न्यू रेफरेंस इसको एक्सेप्ट कराइए। अब ये एक्सेप्ट करा लिया हमने, ठीक है। अब इसके पेमेंट की बात आएगी, तो देखिए सेल्स वाउचर में जो दुकानदार है या जो सप्लायर है वो सेल करता है, टैली किस लिए यूज होती है, घरेलू कामकाज के लिए तो यूज होती नहीं है, बिजनेस के लिए यूज होती है। तो जो भी सप्लायर है वो अब सेल कर रहा है, तो जब सेल करेगा तो उसके पास पैसा रिसीव होगा, जब रिसीव होगा तो उसकी एंट्री हम करेंगे रिसिप्ट वाउचर में। तो आ जाएंगे रिसिप्ट वाउचर में, अकाउंटिंग वाउचर में आ गए, और यहां से रिसिप्ट वाउचर के लिए F6 प्रेस करेंगे, आ गए। यहां पर क्रेडिट आ रहा है, क्रेडिट किसे करेंगे और डेबिट किसे करेंगे, ये जो डेटर पार्टी है इसे हम क्रेडिट करेंगे। डेटर पार्टी कितना बैलेंस है इन पे, 1,34,634 रुपए। तो 1,34,634 रुपए हमने यहां डाल दिया, एंटर प्रेस किया। अब यहां पर आ रहा है अगेंस्ट रेफरेंस, तो ये इनका बिल है, इसी के एवज में ये पेमेंट कर रहे हैं, कर दिया पेमेंट, एंटर प्रेस किया। ठीक है, एंटर प्रेस किया, कैश में पेमेंट कर रहे हैं, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया और एंटर प्रेस किया, ये हो गया। अब अगर दोबारा से ये आप इनका बिल देखने की कोशिश करेंगे तो यहां पर इनका बैलेंस जीरो दिखाएगा, क्योंकि इन्होंने पेमेंट कर दिया है, जो भी सेल हुआ है वो पूरा पूरा पैसा रिसीव हो गया है। ठीक है, यानी डेटर पार्टी ने पूरा पूरा पैसा रिसीव करा दिया है, पेमेंट कर दिया है, ये हो गई पूरी एंट्री। तो इस तरीके से आप परचेज में और सेल्स में इसका पेमेंट भी कर सकते हैं, टैक्स एनालिसिस भी देख सकते हैं, सारा कुछ मैंने बता दिया है। और अब आपके सारे डाउट्स इसके बारे में क्लियर हो जाने चाहिए, कोई और भी सवाल है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।